मेंटरे संकट केवल नारारे रही कि जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत। अखिलेश ममतांक परे बामदल देखाइला नाली आखि। डिसेंबर 6 रे कांग्रेस डाकिथिला बैठक, मना कले ममता, अखिलेश एवं नीतीश। बाध्य रे कांग्रेस बदलिला बैठक रो तिथि। कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं, ऐसा तीन चार लीडर्स का जो है अब रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। उनके उनके पहले ही जो प्रोग्राम तय किए थे वो प्रोग्राम अटेंड करना था उनको, तो एक हफ्ते के बाद में या ऐसा जो भी है टाइम फिर से रीशेड्यूल करके मीटिंग करेंगे। दिसंबर 6 नुए दिसंबर तृतीय सप्ताह अर्थात दिसंबर 17 तारीख रे होई पारे बैठक, कारण पश्चिमबंग मुख्यमंत्री कहिथिले मते बैठक कथा जणा नाही, मोर अन्य कार्यक्रम अछि। जवाब रे कांग्रेस नेता अधीर रंजन कहिछंती आरंभरु दीदी को हाफ भाव एमिति, मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में, उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे, इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। इंडिया अलायंस कहाँ है, 3 बार बैठ के चाय पिए और अलायंस बन गया, और दूसरे ने देखा वो अलायंस है ही नहीं कोई, नीतीश बाबू जिन्होंने इसका लीडरशिप ली थी आज कहाँ है, वो खुद मीटिंग में नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी खुद गई था, उसके बाद देखा कुछ होने वाला नहीं है, भातीजा को भेजा, आज वो भी नहीं जाती, आज बोले मुझे खबर नहीं है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कौन मालिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूज हैं। स्वास्थ्यगत कारण बैठक को जाई न थांते नीतीश कुमार, हेले जेडीयू नेतांक कहिबा कथा पराजय परे कांग्रेस को मेंट कथा मने पड़ा, इंडिया मेंट रे कम्युनिकेशन फेल। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद अचानक उन्होंने घोषणा की और अपने सारे साथियों की उनकी याद आई, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है, और इनको इग्नोर करके कांग्रेस चल रही थी, जिसका ये परिणाम हुआ कि 3 राज्यों का रिजल्ट उनके विपरीत गया। पूरी तरह इंडिया गठबंधन के अंदर में पूरी तरह कम्युनिकेशन गैप है, न बड़े लीडर्स की राय ली जा रही है, न बड़े लीडरों से कोई डेट फिक्स की जा रही है, तो उनकी भी व्यस्तता को देखते हुए न कोई ऐसी बात हो रही। बात्या पाई बैठक को जाई न थांते तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, हिमंत सोरेन का बदल रे बैठक को जाई थांते झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधि, हेले काही की बैठक को ना कहिले ममता, अखिलेश एवं नीतीश को भरी नेता, जहां बुझाई दे छथि AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने जो मनमानी करनी थी 3 स्टेट में कर लिया और उसका नतीजा भी देख लिया, नीतीश जी को भी जाने नहीं दिया, अखिलेश जी को भी जाने नहीं दिया, शरद पवार को जाने नहीं दिया, दीदी को जाने नहीं दिया, अकेले कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ी और ये प्रूफ करना चाहा कि इंडिया में हम ही एक नंबर पार्टी है और हम ही राज कर सकते हैं, तो नतीजा तो सामने है। तेरे बद्रुद्दीन नुहति एकाएका एकलव्य होबार परिणाम कांग्रेस भोगिला बोली सपा मध्य कहिछि, हेले पराजय पाई ईवीएम को दोष दे कांग्रेस खसी जीवाक चेष्टा करथुवा बेले कांग्रेस को पाठ पढाइछि नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इसे और सभी को सबक लेना चाहिए और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता, जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में हमारे हाथ में दे दें तो हम, मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। इलेक्शंस आर लाइक दैट, यू विन सम यू लूज सम, यू कांट ओनली बी सैटिस्फाइड विद इलेक्शंस दैट यू विन, यू मस्ट आल्सो बी रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट। नाउ इफ द कांग्रेस हैज लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली इन छत्तीसगढ़, इन मध्य प्रदेश, इन राजस्थान, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट दे नीड टू एनालाइज द रीजंस, बिकॉज सम पीपल सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल अर्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए।
सुप्रीम कोर्ट नुहे पराजयर समीक्षा कर 2024 निर्वाचन पर प्रस्तुत हुआ एमती जितेबाला शुणा मिली किंतु कांग्रेस कहि इंडिया मेट जित 2024 निर्वाचन There is no rift in India alliance. India alliance is united. We are united and we will be able to defeat Modi and Amit Shah's misrule in the 2024 election. Yeh gathbandhan swarthon se pada hai, swarthon ke karan hai. Sab kya karenge? Jo log pani pipi karke Congress ko gali diye neta Indi gathbandhan ke ki yeh chalu party hai, wo phir kya kahne jayenge? Sabko samajh mein aata hai. अगर इकट्ठा नहीं रहेंगे तो नुकसान है ये सभी को समझता है दैट्स इनफ यानी कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं हां मजबूती से होंगे यदि सभी बुझुचंती तबे एमिति बयानबाजी काहे कि शत्रु र शत्रु मित्र नाय रे अपनैबा बदल रे मेंटो भितरे काहे कि द्वंदी प्रतिद्वंदी 2023 सरीबा को जाउछि चाहू चाहू 2024 साधारण निर्वाचन आसीजिवो हेले इंडिया मेंटो रणनीति प्रस्तुत करबा बदल रे निज निज भितरे बागजुद्ध रे मातिछते ऑलवेज इलेक्शन बूथ रे रहुथबा बीजेपी विरोध रे रण हुंकार दे निज निज खुण काढुछते जहा को देखि या कहिबारे असुविधा नाय कि सबु बुझिबी अबुछा सबु जानिबी अजणा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7